दोस्तों, क्या अब यूपी में वाकई राम राज्य आ गया है? शिक्षा के नाम पर मौत दे देना, क्या ये राम राज्य है? अगर यही राम राज्य है तो क्या आपको ऐसा राम राज्य चाहिए? अब यूपी के औरैया में टीचर की पिटाई से दलित छात्र की मौत का मामला सामने आने के बाद यूपी सरकार पूरी तरह से घिर गई है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि बलात्कार के मामले में भी यूपी सरकार को विपक्ष के साथ साथ आम जनता ने पूरी तरह घेरने की कोशिश की थी, लेकिन अब दलित छात्र की जब शिक्षक के द्वारा मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर आज जमकर उपद्रव काटा गया है। हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो गए हैं कि आधी रात को ही आईजी और एडीजी को मौके पर पहुंचना पड़ा। इससे पहले गांव में बच्चे का शव पहुंचने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी तक फूंक दी, पुलिस पर पथराव किया, पुलिस को वहां से खदेड़ दिया और बच्चे को लेकर इंसाफ की लगातार मांग कर रहे हैं। आपको भी याद होगा कि राजस्थान में भी किस तरह से एक दलित छात्र की सिर्फ मटका छू लेने से कथित तौर पर पीट पीट कर शिक्षक के द्वारा मौत के घाट उसे उतार दिया गया था। अभी ये मामला ठंडा नहीं पड़ा था कि अब यूपी से भी ऐसी ही घटना निकल कर सामने आई है। आपको बता दें कि जैसे ही ये पूरा मामला तूल पकड़ने लगा तो सीनियर अफसरों ने पीड़ित परिवार से बात करने की कोशिश की। अंतिम संस्कार के लिए परिवार को मनाया गया। मंगलवार सुबह शव के अंतिम संस्कार की तैयारियां भी शुरू हो गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा उपद्रव में शामिल लोगों की धरपकड़ की सूचना के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से साफ तौर पर मना कर दिया। इससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। यानी पहले शव को अंतिम संस्कार करने के लिए मान गए थे परिवार वाले, लेकिन जैसे ही ये पता चला कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों को पुलिस पकड़ पकड़ कर ले जा रही है, तो परिवार ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें आप इस तरह से जबरदस्ती पकड़ नहीं सकते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन बाद में 4.5 घंटे की अधिकारियों से बात के बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हो गए। पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि जो लोग दोषी नहीं होंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इधर पुलिस ने एहतियातन औरैया के अछलदा कस्बे के बाजार को भी पूरी तरह से बंद करा दिया है। पुलिस ने बाकायदा अनाउंस कर दुकानों को बंद कराया है। कस्बे में कर्फ्यू जैसे हालात पूरी तरह हो गए हैं। इलाके में कई जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग भी कर रखी है ताकि लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन ना कर सके। आईजी कमिश्नर और डीएमएसपी के अलावा भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। परिजन और प्रशासन एक बार फिर सुबह जिस तरह आमने सामने आ गए, उसके बाद और ज्यादा हालात खराब हो गए। बवाल करने पर पुलिस ने एक दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया और ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। इधर प्रशासन का कहना है कि आपके घर का कोई सदस्य नहीं पकड़ा गया है तो उसे जो है हम कैसे छोड़ दें? जब आपका अगर कोई सदस्य है आपके घर का तो उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन जो है जो बिना वजह प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, जो दंगा फसाद कर रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। चाहे वो पुलिस की गाड़ी में आग लगाने की बात हो या फिर पत्थरबाजी से लेकर के एक दूसरे को उकसाने की बात हो, इन सभी लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि परिजनों को प्रशासनिक अफसर समझाने में सफल हो चुके हैं और इस मामले में विपक्षी नेता यानी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि शिक्षा जीवन देती है, लेती नहीं है। विपक्ष भी अब सरकार को पूरी तरह से घेरने में लगा हुआ है और वाकई ये इतने ऐसे मामले हैं जो अभी हाल ही में सामने आए हैं, चाहे वो लखीमपुर का मामला हो, पीलीभीत का मामला हो और अब ये औरैया से मामला निकल कर सामने आया है। ये ऐसे गंभीर मुद्दे थे जिन पर सरकार को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि सरकार की तरफ से कोई पुख्ता एक्शन नहीं लिया गया। ऊपर से अभी जो हाल ही में प्रदर्शन को लेकर एक नया कानून बना दिया गया है, अपराध की श्रेणी में आ गया है कि अगर शव को रखकर प्रदर्शन किया जाएगा तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में अगर कोई प्रदर्शन करना चाह रहा है, प्रदर्शन करेगा, उसके मुताबिक इंसाफ नहीं मिला है तो आखिर अब वो कैसे करेगा, ये सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि जो भी लोगों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगाई थी और बाइकों को जलाया था, उन लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और
उनका जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। आपको बता दें कि उपद्रवियों ने पुलिस फोर्स पर पथराव करते हुए पुलिस फोर्स को 500 मीटर तक दौड़ाया था। डीएम और एसपी समेत कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। वहीं मृतक के जो पिता हैं उनसे दैनिक भास्कर ने बात की है और बातचीत कर डीएम प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने आश्वासन दिया है कि एससी एसटी जो मौत के मामले में मिलने वाले मुआवजे के 8 लाख रुपए में से 6 लाख का मुआवजा खाते में डलवा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने गांव में आवास और पट्टा की संतुष्टि करने का आश्वासन भी दिया है। डीएम ने यह भी कहा है कि वो परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के लिए सरकार के आवेदन का इंतजार भी करेंगे, यानी वो निवेदन करेंगे। अब सरकार उसको मंजूर कब करती है उसके लिए हम निवेदन जो है वो करेंगे। वहीं शस्त्र लाइसेंस मांग पर मृतक के पिता ने मना कर दिया है कि ये उनकी मांग नहीं है। मृतक के पिता का ये कहना है कि हम लोग उपद्रव नहीं चाहते हैं, कुछ उपद्रवियों ने अगर ऐसा किया है तो उन्हें सजा दी जाए। इसमें दलित छात्र निखित से ओएमआर शीट में खाने की जगह 2 खाने ब्लैक कर दिए गए थे, यानी ये पूरा मामला जो है वो एक टेस्ट से शुरू हुआ था। जब दलित छात्र ने एक टेस्ट दिया था विज्ञान का, कथित तौर पर बताया जा रहा है कि विज्ञान का टेस्ट था और उसमें सिर्फ एक गलती उसने की थी, जिसके बाद शिक्षक को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने इतना ज्यादा पीटा कि उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। लाठी डंडों से पीटा, लात घूसों से पीटा और उसके बाद वो छात्र बेहोश हो गया, जिसके बाद 18वें दिन उसकी मौत हो गई। और उसके बाद ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ रहा है कि पुलिस प्रशासन की गाड़ियों में आग लगाने से एक बार भी गांव वाले जो है वो नहीं सोच रहे हैं और आक्रोश इतना ज्यादा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा है कि इस उपद्रव को शांत कराया जाए। लेकिन अब पोस्टमार्टम के बाद शव को जब परिजनों को सौंप दिया गया उसके बाद एक अलग ही जो पूरा मामला था वो शुरू हो गया। और जब प्रदर्शन कर रहे लोगों को पकड़ा गया तो उनको छोड़ने के लिए भी परिवार ने मांग की और कहा कि हमें किसी भी तरीके से उपद्रव नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग बेकसूर हैं उनको छोड़ दिया जाए। अब आपको बता देते हैं कि परिजन जो हैं उनकी जो 7 प्रमुख मांगे हैं वो क्या है। दरअसल पहली मांग ये है कि अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, पीड़ित परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, पीड़ित परिवार को शहरी आवास दिया जाए, पीड़ित परिवार को ग्राम समाज भूमि से 2 एकड़ का पट्टा दिया जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, अभियुक्तों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि इसमें ये एक जो मांग है शस्त्र लाइसेंस देने की, इस मांग से परिजनों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि हमें कोई भी शस्त्र लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में योगी सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि यह मामला इतना सीधा नहीं है। क्योंकि अब इस पूरे मामले में भीम आर्मी की भी एंट्री हो गई है, भीम आर्मी की तरफ से भी दलित छात्र को लेकर लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है और योगी सरकार से यह मांग हो रही है कि वो इस मामले में खुद सामने आकर कोई बड़ा एक्शन ले और ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए सख्त से सख्त आदेश जारी करे, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की कोई भी घटना देखने को ना मिल सके। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और इस तरह से शिक्षक के छात्र को पीटने पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।